हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई थिंक बढ़िया होगा सब कुछ, और सब कुछ ऐसा चल रहा होगा। बात करें हम अपने डिस्क्रीट के इस पूरे लेक्चर सीरीज में, तो हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली थी और हमारी अभी 3 यूनिट बची हुई थी। जो अपने लेक्चर की बात करें तो वेक्टर स्पेस की यूनिट बची थी और ग्राफ थ्योरी की यूनिट बची हुई थी। हाँ, तो उसको कवर करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी वेक्टर स्पेस का वीडियो आज डाल देते हैं और जल्दी ही मैं कल, एग्जाम हमारा परसों से है, 14 से है, तो मैथ्स के लिए मैं क्या करूंगा अभी, क्योंकि एक एक दो दो घंटे का वीडियो रहेगा, तो एक मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा जिसमें मैं पूरी यूनिट के कॉन्सेप्ट कवर करूंगा पहले जैसे बताया था। तो 1.5 घंटे हम दे सकते हैं एग्जाम के पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी इस वीडियो में वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, वेक्टर स्पेस के पूरे भी जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ थियरी पे बात करेंगे। ग्राफ थियरी पे हम इसलिए थोड़ी शॉर्ट में बातें करेंगे क्योंकि वो डॉ में भी है हमारे पास और थोड़ा उससे रिलेटेड भी है, तो वो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएंगे। तो अभी वेक्टर स्पेस देखते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल है इसमें, तो देखते हैं फिर उसके बाद कवर होता चला जाएगा। ठीक, चलते हैं वेक्टर स्पेस। देखो, वेक्टर स्पेस की बात करने से पहले कुछ इसके बारे में जानेंगे, जो इसके एलिमेंट आते हैं। इसके डिफिनीशन की बात करने से पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे। डिफिनीशन पे हम ज्यादा बातें नहीं, बस थोड़ी मोड़ी बातें अभी स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम सीधे इसके कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे जिसपे क्वेश्चन हमें पुट अप होगा, पूछा जाएगा। देखो, वेक्टर स्पेस में इसकी डिफिनीशन की बात करने से पहले मैं थोड़ा दो कॉम्पोनेंट की बात करूंगा। एक होता है इंटरनल कंपोजिशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, ध्यान देना, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। इंटरनल कंपोजिशन वो होता है जब किसी, जैसे मैंने कहा फंक्शन की मैं बात करता हूं, तो फंक्शन में अगर सेम से सेम की मैपिंग हो रही है, मतलब आई टू आर हो रही है, वैसे यहां पे इंटरनल कंपोजिशन वो है कोई भी वेक्टर स्पेस मैंने लिया और उसकी जो मैपिंग है अगर सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में हो गई। बात समझ रहे हो क्या? कोई भी कुछ भी है, कोई भी मैपिंग है इसका कंपोजिशन में, तो वो होती है इंटरनल कंपोजिशन, जब एक वेक्टर की बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक्सटर्नल कंपोजिशन पे आया, तो जैसे डिफरेंट मैंने आप फंक्शन कहा, फंक्शन आर टू आर आर माइनस आई, मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे ही डिफरेंट कंपोजिशन आया दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। मतलब इसमें क्या होंगे, यू वी डब्ल्यू कितने भी हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं, यहां पे डिफरेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, यहां इंटरनल कंपोजिशन होते हैं। देखो, वेक्टर स्पेस की बात करने से पहले हमें फील्ड, रिंग, जो हमने ग्रुप थियरी में बात की थी, याद हो आपको, जब हमने फर्स्ट सेम में बात की थी, जहां पे ग्रुप थियरी पढ़ा था, जहां पे हमने रिंग की बात की थी, फील्ड की बात की थी। ठीक है, तो फील्ड रिंग को लेके चलते हैं वेक्टर स्पेस में। मैंने कहा फील्ड रिंग क्या होता है, स्केलर आता है, जनरली हम क्या करते हैं, फील्ड को लेके चलते हैं। फील्ड में क्या होता है, स्केलर आते हैं। अब मैंने कहा कि कोई फील्ड हमें दे, अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे मैंने कहा कि एफ प्लस प्लस ये कोई फील्ड हमें दे दिया। यहां पर क्या है, एफ क्या है, स्केलर है, एफ क्या है, स्केलर है, ये एफ क्या है, स्केलर है। और जो, और मैंने कहा जो वी वेक्टर है, वी वेक्टर स्पेस है, वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है, मैंने कहा यू स्मॉल वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या कहा मैंने, वी क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है, सेट है कोई जिसके अंदर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और एफ कोई फील्ड लिया है, फील्ड में एफ क्या है, हमारा स्केलर है। तो यहां पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है, ये वेक्टर्स है, ये क्या है, वेक्टर्स है। मैं वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन पे चल रहा हूं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है, वेक्टर्स है। इन्हीं वेक्टर्स का, ध्यान से सुनना, वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन पे अब चल रहा हूं, इन्हीं वेक्टर्स का इस एडिशन यही आपस में, वो इंटरनल कंपोजिशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन हो सकता है, या स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो भी
ये दोनों क्रिया है, मतलब दो ये दोनों काम हम जो करेंगे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स का, जो वेक्टर की सीरीज में है, वेक्टर के सेट के एलिमेंट्स में है, वेक्टर स्पेस के सेट के एलिमेंट में है, देन ये v जो होगा ये हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बात बोली, u v w x y z क्या है, वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स के सेट क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस क्या हुआ, इन पर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, ये फील्ड का मैंने कहा अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, ये मैंने कहा कि कोई स्केलर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा अल्फा ए प्लस बी मैंने वेक्टर दिया, ए प्लस बी वेक्टर है, या मैंने कहा यू प्लस वी वेक्टर है, तो अल्फा यू प्लस अल्फा वी, ये जो मल्टी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैंने कहा कि ये अल्फा यू क्या हुआ, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, और एडिशन की बात की, एडिशन हो गया, तो ये जो काम हो रहा है ना, ये रियली डिफिनेशन हुई वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस को थियोरेटिकल कैसे समझाएंगे, ध्यान देना मेरी बात, ये वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस को जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि ये कोई भी उसने क्वेश्चन दे दिया और बोला कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं, उसके लिए मुझे अलग टेस्टिंग के लिए वो अलग चीजें देखनी है। तो हमने दो चीजें देखा, एक तो एडिशन की बात की, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की। वो इंटरनल कंपोजिशन भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल कंपोजिशन भी हो सकता है, मुझे उसकी बात नहीं करनी है। मैंने अभी थियरी बात की, इंट्रोडक्शन की बात की वेक्टर स्पेस की। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या बोलता है कि वेक्टर स्पेस पहचानेंगे कैसे, वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, उसने क्वेश्चन दे दिया कुछ भी और बोला ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अभी मैं इस पे नहीं दिखाऊंगा। तो वेक्टर स्पेस को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस को पहचानने के लिए टोटल अगर कोई भी सेट, कोई भी कुछ भी दिया हुआ है, अगर वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो उसको पहचानने के लिए हमें हमारे पास दस प्रॉपर्टी होती है। दस प्रॉपर्टी वो उसको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने के लिए पहली जो हमारी होती है, पहला अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करनी चाहिए। पहली क्या है, मैंने किसकी बात की, क्लोजर की। तो क्लोजर क्या होता है, या क्लोजर क्या, मैंने पांच प्रॉपर्टी की बात करूंगा, क्लोजर आप वो भी जो होगा अभी क्लोजर आइडेंटिटी में बताऊंगा कि ये क्लोजर है ये आइडेंटिटी है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे दसों प्रॉपर्टी देख लो। तो पहली क्या होनी चाहिए, अबेलियन, तो इसको ले लेंगे तो छह होंगी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कितनी होंगी, पांच होंगी, तो पांच ये हो जाएंगी, पांच और है हमारे पास, तो पांच पांच दस। टोटल वेक्टर स्पेस को हमें पहचानने के लिए दस प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, वो क्लोजर उधर मत जानो, सीधे ऐसे काम पे चलोगे तो ऐसे ध्यान रहेगा। पहली मैंने क्या बात की, तो पहली प्रॉपर्टी बोलती है अगर अल्फा और बीटा वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर अल्फा और बीटा वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या करना चाहिए, वेक्टर स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, वेक्टर स्पेस को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। मेरी बात समझ लो क्या, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये अबेलियन ग्रुप की ही है, ध्यान देना, ये अबेलियन ग्रुप में ही आ रही है, वो क्लोजर हो सकती है, एसोसिएटिव हो सकती है, वो आप देख रहे हो कौन सी क्लोजर, ये क्लोजर एसोसिएटिव, बात समझ रहे हो ना, वो आप खुद समझ रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतना आप पढ़े। तीसरी प्रॉपर्टी, मैंने कहा अल्फा बीटा गामा जो है वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी मैंने कहा, ध्यान देना, चौथी प्रॉपर्टी में क्या है, मैं अगर जीरो की बात करूं तो जीरो क्या होगा, किसी भी वेक्टर का, क्योंकि ये इसको लाने और ना लाने से, मैंने कहा कोई वेक्टर जीरो का मतलब, अगर मैं एडिशन में बात करूं, ध्यान देना, अबेलियन ग्रुप की मैं बात किसमें करता हूं, किसी भी फील्ड के, मैंने वेक्टर स्पेस में दो बातें की थी, पहले एडिशन की बात की थी, ध्यान हो आपको, और दूसरी बात की थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान देना, अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तभी अगर जीरो वेक्टर से बिलोंग कर रहा है, तब हमारी जो भी वेक्टर स्पेस देगा उसको चेंज कर देगा। लेकिन अगर मैं एडिशन की बात करूं, अबेलियन ग्रुप में हम किसकी बात कर रहे हैं,
एडिशन की, जब हम फील्ड की बात करते हैं तो ध्यान देना है फ्लफ डॉट डॉट डॉट, ये फील्ड हमने कोई लिया तो फील्ड की बात किया, तो ये मैंने एडिशन की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं जीरो किसी भी वेक्टर के एलिमेंट में प्लस करता हूं या माइनस करता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या उस वेक्टर के? मैंने बात किया, अगर मैं अल्फा प्लस जीरो लिखता हूं तो क्या आएगा? अल्फा आएगा, ये है हमारी चौथी। इसको ले गई है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ये रखना इसलिए ध्यान में कि ये अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन आ रहा है, नॉट क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दिए रहना मेरी बात, किसके अंदर आ रहा है? क्लोजर अंडर एडिशन आ रहा है, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये ध्यान दिए रहना। अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, या मैं इसी अल्फा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस जीरो इधर भी लिख सकता हूं। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई या अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी, इसलिए बता रहा हूं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अगर किसी भी वेक्टर अल्फा है, कोई वेक्टर अल्फा है, तो वहां पर माइनस अल्फा भी क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। और अल्फा प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ये पांचों प्रॉपर्टी जो है अबेलियन ग्रुप के अंदर आती हैं, और ये अगर वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई होना है, वेक्टर स्पेस कोई भी हमें सेट दिया है वो वेक्टर स्पेस में है, तो वो पहली बात तो ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, मतलब अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब हमारे पास पांच प्रॉपर्टी और होल्ड करनी चाहिए, ये तो अबेलियन ग्रुप की बात है। ठीक, आगे चलते। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में पहली प्रॉपर्टी क्या होती कि v प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर एडिशन, ध्यान दिए रहना। दूसरी प्रॉपर्टी अब ध्यान दिए रहना, क्योंकि अब छह प्रॉपर्टी आ जाए, अबेलियन ग्रुप में पांचों प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल, अगर अल्फा फील्ड को बिलोंग कर रहा है और एक्स कोई वेक्टर है, वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, अल्फा किसी फील्ड को बिलोंग कर रहा है और एक्स कोई वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा एक्स भी वेक्टर स्पेस को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। बात समझ लो क्या? अल्फा क्या है? फील्ड को बिलोंग कर रहा है, स्केलर है कोई, और एक्स क्या है? वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा एक्स क्या है? वेक्टर स्पेस को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, ये अल्फा जब स्केलर की बात करेंगे तो ये स्केलर, ये अल्फा अगर मैंने कहा फील्ड से रिलेटेड, तो फील्ड में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे? हमारे स्केलर्स होंगे, चाहे वो अल्फा की बात करूं, चाहे वहां पे अल्फा की जो बात किया था वेलिंग ग्रुप में वो वेक्टर था, ध्यान देना, लेकिन यहां पे अल्फा की बात कर रहा हूं तो क्या है? वो स्केलर, और एक्स क्या है? हमारा वेक्टर है। ये एक तरीके की क्या हुई? क्लोजर प्रॉपर्टी ही तो हुई, क्लोजर ही तो हुई। ठीक है, ऐसे मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैंने कहा अल्फा स्केलर है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है? वेक्टर है, ध्यान देना, वेक्टर को बिलोंग कर रहा है, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है? कोई स्केलर है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है, तब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अल्फा एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अल्फा वाई, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। या मैंने कहा चौथी प्रॉपर्टी, अल्फा प्लस बीटा और वेक्टर एक्स दे दिया, अल्फा बीटा मैंने कहा फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं और एक्स क्या है? हमारा वेक्टर को बिलोंग कर रहा है, तो ये इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा। अल्फा क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? स्केलर, और एक्स क्या है? वेक्टर। बात समझ में आई क्या? चार प्रॉपर्टी क्लियर हुई। पांचवी मैंने कहा दिया है ए बी एक्स, ए बी एक्स दिया है, ए बी क्या है? स्केलर है, एक्स क्या है? वेक्टर है, ए बी एक्स दिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू बी एक्स, ऐसा। देखो इसमें थियरी ही है और सब कुछ वही सेम है, जैसे सेट की बात करते हैं तो सेट में अलग अलग थियरी आती थी, अलग अलग हमारे प्रॉपर्टीज आती थी, तो वही सब कुछ सेम है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी? ए बी एक्स, अगर ए बी हमारे स्केलर है, एक्स कोई वेक्टर है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन एक्स में करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी एक्स। बात समझ लो। और मैं जब लास्ट प्रॉपर्टी की बात करूंगा, छठी प्रॉपर्टी की, तो छठी प्रॉपर्टी क्या होल्ड होनी चाहिए वेक्टर स्पेस के लिए? वो होती है वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए, वेयर वन इज द यूनिटी फैक्टर ऑफ एफ, फैक्टर ऑफ फील्ड एफ। बात समझ रहे हो? वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स का वन के साथ जब मल्टीप्लीकेशन, एक्स क्या है? वेक्टर है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाए?
एक्स आ जाए। ये पूरी कहानी है वेक्टर स्पेस को पहचानने, वेक्टर स्पेस को पहचानने की। बात करता हूं तो सेट को मान लो वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर सेट अगर वेक्टर स्पेस हुआ तो सब स्पेस उसका सबसेट हुआ। मैंने कहा वी अगर वेक्टर स्पेस है, ये जो छोटी सी बस कॉन्सेप्ट इसकी बात करते हैं छोटे सब स्पेस की, वी वेक्टर स्पेस है। सब स्पेस होने के लिए पहले इसको वेक्टर स्पेस होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को वी वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू कोई सब स्पेस है, तो डब्ल्यू क्या होगा उसका सबसेट होगा किसका, वेक्टर स्पेस का। पहले ध्यान दिए रहना ठीक है। टेस्टिंग फॉर सब स्पेस के लिए हमें दो थ्योरम की जरूरत होती है। पहली थ्योरम क्या बोलती है सब स्पेस के लिए, पहली थ्योरम की बात करो सब स्पेस के लिए, मैंने कहा कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा अगर W को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब W को क्या सब स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, A और B किसी फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं मतलब स्केलर्स हैं, तो जो A अल्फा प्लस B बीटा होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट थ्योरम बोलती है, पहली बात। दूसरी थ्योरम क्या बोलती है, अल्फा बीटा W को बिलोंग कर रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा भी क्या होगा, W को बिलोंग करेगा। सेकेंड थ्योरम, इसी में यूनिट की बात कर दूं, अगर अल्फा ए ले लिया तो अल्फा अगर किसी भी मैंने कहा कि सब स्पेस के एलिमेंट में अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वो भी, अगर कोई स्केलर, मैंने कहा अल्फा क्या है हमारा, ये सब स्पेस का एलिमेंट है, कोई वेक्टर है, और ए क्या है हमारा, कोई स्केलर फील्ड का एलिमेंट है, अगर उसकी भी मल्टीप्लिकेशन हमने एक साथ कर दिया, अल्फा ए कर दिया या बीटा बी कर दिया या अल्फा भी ए बीटा कर दिया, तो जो भी होगा वो भी वेक्टर स्पेस, सॉरी सब स्पेस को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो बात हम कर देंगे ये सब स्पेस भी है। वेक्टर स्पेस क्लियर हुआ, सब स्पेस क्लियर हुआ, बात करेंगे हम बेसिस एंड डायमेंशन की। बेसिस एंड डायमेंशन क्लियर होने के बाद बात करेंगे नल स्पेस की, रैंक की, लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी की, फिर उसके बाद सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन सॉल्व करते ही हमारे ये यूनिट खत्म होगी। चलते हैं हम आगे, किस पे बात करेंगे, बेसिस एंड डायमेंशन पर चलते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम, बेसिस एंड डायमेंशन। देखो बेसिस एंड डायमेंशन की बात करने से पहले हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, ये हमने पहले भी कवर कर चुके हैं, ये हम मैट्रिक्स से पढ़े थे वहां पे फर्स्ट सेम में, तो हम यहाँ पे LI और LD की बात किए, तो LI क्या होता है वहां पे क्या बात किए, तो वहां से हम रैंक को LI और LD से देखे थे और दो चीजों को देखे थे, ध्यान देना लीनियरली डिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वहां पे कैसे हमने पहचाना था, मैंने कोई वेक्टर क्या किया था, जैसे मैंने कहा कि अल्फा 1v1 अल्फा 2v2 प्लस अल्फा 3v3 या डॉट 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 अल्फा nvn इक्वल टू 0 दिया था, पहली कॉन्सेप्ट तो ये था हमारा, बात समझ रहे हो क्या, पहला कॉन्सेप्ट ये था। अगर सभी अल्फा, मैंने कहा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सभी जीरो हो जाते हैं डॉट 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 अल्फा एन, पूरे अल्फाज जो है जितने स्केलर्स हैं अगर ये जीरो हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होगी, अगर ये पूरे जीरो हो जाते हैं तो जो हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स या कुछ भी दिया हुआ, जो इक्वेशन दिया हुआ हमारा क्या है, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये सभी जीरो हो जाते हैं पूरे स्केलर्स। अगर उन्हीं स्केलर में से कोई ऐसा एक स्केलर है जो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सिंगल अल्फा की वैल्यू है जो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसमें कंडीशन अलग अलग बनेगी, मतलब वो क्या होगा, जो इक्वेशन होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ऐसा होता है कि पूरे अल्फाज की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, मतलब स्केलर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हम क्या बोलते थे फंक्शन क्या है LI, और फंक्शन बोल रहा हूं इक्वेशन क्या है LI है, जितने भी इक्वेशन दिए हो जितना भी हमारा है तो वो LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और कोई अल्फा की एक सिंगल वैल्यू है जो स्केलर है, जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर की सिंगल ऐसी वैल्यू जो जीरो के इक्वल नहीं है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा क्यों होता था, अल्फा की वैल्यू अगर सभी जीरो हो गई तो हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास कंडीशन बनती है कि सिर्फ जीरो कंडीशन होगी, जितनी हमारे जितना डायमेंशन दिया होगा जितने वेक्टर दिए होंगे वही एक कंडीशन होगी, वो जीरो हो सकते हैं।
तब वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो जीरो 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 होगा। लेकिन जैसे अल्फा की एक वैल्यू जीरो नहीं होगी, तब हमारे पास अलग अलग कंडीशन होंगी। ये पहले चेक करने की तरीके थे एलआई और एलडी। सेकंड तरीका क्या था, ध्यान दो आप, हम रैंक से निकालते थे। रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक आपको देखना है, रैंक के लिए भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हो। रैंक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर जितने भी वेक्टर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स जितने हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ वेक्टर्स जितने हैं, अगर उनकी रैंक उससे कम आती है, रैंक अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आ रही है, मतलब जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो लिनियर क्या है, वो लिनियरली डिपेंडेंट है। मेरी बात समझ रहे हो, अगर रैंक क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर से क्या है, कम है, और यही रैंक अगर उसके इक्वल है, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही, रैंक नंबर ऑफ वेक्टर जितने भी दिए हुए हैं, जितना भी नंबर ऑफ वेक्टर्स है उनके इक्वल है, मतलब उसी के इक्वल आ रही है, तो वह लिनियरली इंडिपेंडेंट है, एलआई, एलआई। बात समझ रहे हो, रैंक, ये रैंक हमने दो तरीके बताए लिनियरली इंडिपेंडेंट और लिनियर डिपेंडेंट को पहचानने के लिए। पहला हम रैंक से जो उस टाइम देखे थे, रैंक से भी देखते थे और ऐसे भी वेक्टर को रख के हम देख लेते थे। बात क्लियर हुई, ये लिनियरली और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कॉन्सेप्ट हुए। अब इसी से ये इतना तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसको आप पहले भी पढ़े हो, इसमें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को देख लेंगे। अभी हम चलते हैं बेसिस एंड डायमेंशन पर, ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिस, बेसिस क्या होगा, मैंने कहा कोई भी S है जो किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस का, VF का, फील्ड का, वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है। तो ये इसका बेसिस कब होगा, इसका बेसिस कब होगा, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस का ही बेसिस होगा तो इसका सबसेट होगा, तो ये इसका बेसिस कब होगा, तो ध्यान देना उसके लिए दो कंडीशन बनेंगे। पहला क्या होगा, S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, S जनरेट्स वी एफ, मतलब S जो है, जो बेसिस है वो वी एफ को, वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सके, मतलब S इज स्पैन ऑफ V होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई क्या, F जनरेट कर सकता है किसको, वेक्टर स्पेस को। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, S लिनियरली इंडिपेंडेंट है और S जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को, अभी क्वेश्चन लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, तो हमारा वो बेसिस कहलाएगा। जो भी वेक्टर दिया हुआ है, जो भी वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, उसका सब्जेक्ट बेसिस कहलाएगा। क्लियर हुई क्या बात इतनी, ठीक है। डायमेंशन की यहीं पर बात कर लेता हूं, देखो डायमेंशन होता क्या है, पहली बात समझ लेना। डायमेंशन का मतलब हुआ कि जितने ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा आर एन टू एन टपल्स है, यहां इसकी डायमेंशन कितनी है, एन टपल्स है, तो एन यूनिट्स है, तो डायमेंशन कितनी है, एन है। मैंने बात की आर है सिर्फ रियल नंबर की, तो कितनी है, वन है, तो कितनी इसका डायमेंशन है, वन है। मैंने कहा आर टू है, तो आर टू ऑर्डर ऑफ ये ऑर्डर पेयर के हैं, तो ये क्या है, टू है इसके। मैंने कहा ये ट्रिपल है, तो ट्रिपल फैक्टर के है, तो क्या है, थ्री है डायमेंशन, यही डायमेंशन है। जितनी उसकी बात करूं, तो मैं अगर एक बार अगर इसकी बात कर दूं, इसी बेसिस की जितनी भी है डिग्री है, ध्यान दे भाई हमारी क्या हो गई, वो बोलता नहीं है कि आर टू से आर टू, आर टू आर की, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, टू। बात समझ रहे हो क्या, ये होती है बात, ये बेसिस। अभी अभी क्वेश्चन देखूंगा तो डायमेंशन भी क्लियर हो जाएगा, बेसिस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन होगा आपको बेसिस डायमेंशन क्लियर, एक एक क्वेश्चन में सब पे लूंगा, वेक्टर स्पेस पे भी, सब स्पेस पे भी, बेसिस पे भी, डायमेंशन पे भी। अभी चलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, इसको थियरी हटाते हैं तो फिर सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर देते हैं क्या, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म एंड लिनियर टाउन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ध्यान देना यहां पे हम दो वेक्टर की बात करेंगे, जैसे फंक्शन को लेके चल रहे थे वैसे बात करेंगे, यहां ध्यान, यहां वैसे बातें चलेंगी, ध्यान देना। मैंने कहा कि कोई दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर स्पेस है यूएफ है और वीएफ है, और कोई टी है जो इनके बीच क्या चल रहा है, कोई मैंने कहा कि कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, टी अगर हमें टी कोई जैसे फंक्शन ले लिया था, वैसे वैसे यहाँ पे क्या है, एक मैपिंग है, मैंने कहा यूएफ और वी एफ के बीच में, तो मैंने कहा यू से लेकर कहां तक चल रहा है, वी तक, यू से वी के बीच में चल रहा है, तो यू का जो इमेज होगा, ध्यान देना, जैसे मैं फंक्शन की बात करता था, फंक्शन आर टू आर,
तो आर की इमेज आर पे बन रही थी, मतलब ए बी सी की इमेज ए वन टू थ्री, तो इसकी इमेज जो थी वो रेंज बन रही थी। यहीं से अभी आएगा आपका रेंज आएगा कर्नल नल स्पेस, यहीं से आएगा ध्यान देना। तो वेक्टर स्पेस यू की इमेज वी पे बन रही थी, तो इसके होमोमॉर्फिज्म कंडीशन होने के लिए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है वो कंडीशन होने के लिए हमें जो कंडीशन होगी तो ध्यान देना वो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे वो ध्यान देना कैसे देखना है, समझ रहे हो। तो हमें ये होमोमॉर्फिज्म यू इंटू वी है या नहीं है वो पहचानने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होंगे। पहली कंडीशन क्या होगी ध्यान देना, एफ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो वो इसके इक्वल होना चाहिए एफ अल्फा प्लस एफ बीटा के। पहली बात तो क्लियर हो गई क्या बात, एफ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो वो इसके इक्वल होना चाहिए एफ अल्फा प्लस एफ बीटा के, क्लियर। अगर दिया है एफ ए अल्फा, सेकेंड कंडीशन, पहली कंडीशन ये थी सेकेंड कंडीशन, और अगर दिया है एफ ए अल्फा तो ये इसके इक्वल होना चाहिए ए एफ अल्फा। जहां पे ध्यान देना ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा क्या है वेक्टर यू को बिलोंग कर रहे हैं, यू इंटू वी निकालना, तो यू को इसलिए ले रहा हूं यू के एलिमेंट को कि यू के एलिमेंट की इमेज ही तो ये एफ अल्फा क्या है, यू के एलिमेंट की इमेज है। अगर ये मैं एफ ले लू इसको, ये एफ मान के चलो, तो मैं कहता था अगर ए है, ए की इमेज इस पे बनी तो रेंज एफ ए हुआ ना, इसका फंक्शन हुआ एफ ए, तो ये एफ अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है यू के एलिमेंट है, और एफ अल्फा और एफ बीटा क्या है वो वी के एलिमेंट, वो एफ अल्फा और एफ बीटा क्या है वी के एलिमेंट है। तो ध्यान देना ऐसा नहीं है कि वी के एलिमेंट नहीं है। और ए क्या है हमारा, ये किसी फील्ड का स्केलर, किसी फील्ड का क्या है स्केलर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल देंगे कि ये जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म यू इंटू वी है, U into V है। ऐसा पूरे क्वेश्चन में बोल सकता है कि ये क्या है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है वो है, ठीक है। अगर इसको डायरेक्टली लिखना चाहूं तो ऐसे मैं बोल दूं कंडीशन, अगर डायरेक्टली यहीं पे लिखना चाहूं तो वो मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा एफ ए अल्फा प्लस एफ बी बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को मिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा एफ ए अल्फा प्लस एफ बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मान के चलना कि ये क्या है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म यू इंटू वी है और लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू इंटू वी, क्लियर। ये हमने बात की इसकी वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं थोड़ी सी किस पे, रेंज नल स्पेस जिसे हम बोलते हैं क्या कर्नल, और फिर हमारी कहानी क्या हो जाएगी खत्म। रैंक नलिटी थ्योरम भी है, एक रैंक नलिटी थ्योरम है, तो रैंक नलिटी थ्योरम भी उसको भी देख लेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है आर प्लस एल इज इक्वल टू एन, वही पे देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं रेंज और नल स्पेस जिसे हम कर्नल भी बोलते हैं। रैंक आप जानते हो, रैंक बताने की जरूरत नहीं, रैंक आपको देखना है तो मैंने लास्ट वीडियो, मेरे एक वीडियो पड़ी है रैंक पे, रैंक आप देख सकते हो रैंक कैसे निकालते हैं, तो रैंक में यहां बता नहीं रहा हूं, ठीक है। रैंक आपको पता है, रेंज और नल स्पेस देखते हैं, ठीक है। रेंज नल स्पेस और कर्नल, देखो रेंज एंड नल स्पेस क्या है, मैंने कहा कोई वेक्टर uv और uf और vf है हमारे पास, यहीं से लेके चल रहा हूं, uf है और vf है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहां से समझ में ना आए तो इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं, ये समझ में आ गया इसको नोट कर लेना। यहां पर देखना कोई वेक्टर uf है और vf है, दो वेक्टर स्पेस है हमारे पास, तो मैंने कहा कि ये मैंने कहा uf है और ये vf है। अब देखना इनके भी जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो टी है, मैंने कहा क्या है वो टी है, कहां से चल रहा है यू इंटू वी, यू से वी तक चल रहा है, टी क्या है यू से वी तक चल रहा है। अब ध्यान देना मैंने कहा इसके एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स अल्फा है डॉट डॉट डॉट, अल्फा वन है अल्फा टू है अल्फा थ्री जितने भी अल्फाज है, और इसके एलिमेंट बीटा है, तो ध्यान देना ये अल्फा की इमेज बीटा पे बन रही है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के थ्रू। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं क्या कि यहां पर अगर मैं बोलूं, अब जब मैं फंक्शन पे बात करता था तो ये डोमेन होता था, ये रेंज होता था, वही रेंज की बात यहां पर भी सेम रेंज की बातें होगी, ये डोमेन है ये रेंज है, यहां की इसकी इमेज इस पे बन रही है, मतलब अगर मैं टी अल्फा वन लिखूं जैसे मैं एफ अल्फा लिख सकता, एफ अल्फा वन बीटा के, बीटा वन के इक्वल होगा, मतलब अगर मैं कहूं कि टी अल्फा वन किसके होगा तो बीटा वन के इक्वल होगा, टी अल्फा टू किसके ऊपर इक्वल होगा बीटा टू के इक्वल होगा, टी अल्फा थ्री के किसके ऊपर होगा बीटा थ्री होगा,
लास्टली हमें क्या मिल रहा है कि टी अल्फा क्या होगा, बीटा के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो बीटा इज द रेंज ऑफ द क्या होगा, इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यू इंटू वी होगा। बात समझ रहे हो, आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। मतलब समझ रहे हो क्या, टी अल्फा ही क्या होगा, इसका रेंज होगा, इसकी इमेज बन रही है। अल्फा की इमेज कहां पे बन रही है, बीटा पे बन रही है, जो क्या है उसी की रेंज है। इतनी बात क्लियर हुई। और यही कंडीशन अगर ये पूरे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, यही कंडीशन क्या होती है, अगर ये पूरे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ये पूरे क्या कंडीशन हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ये बीटा नहीं मिलके हमें टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो मिलता है, तो वही नल स्पेस कहलाता है, वही कर्नल कहलाता है। अगर मैं जीरो से कंपेयर करता हूं उसको तो वो कर्नल कहलाएगा, और अगर कोई सिंगल हमें जिसकी वैल्यू लेकर कंपेयर करते हैं तो वो हमारा रेंज कहलाएगा। बात समझ रहे हो, अगर वही इसका जीरो है, नल स्पेस है, कुछ नहीं है, नल स्पेस का मतलब कुछ नहीं, कर्नल बोलते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्नल होगा। और अगर इसी की, अगर मैं इसी की बात करूंगा, इस पे कोई वैल्यू मिल रही, तो वो हमारा रेंज होगा। रेंज है नल स्पेस, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, यहां पे VF और UF को लेकर, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को लेकर हमने किया। रेंज क्या है, कोई हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है, कोई सिंगल वैल्यू पर हमें इमेज मिल रही है, तब हमारी रेंज हुई। और जैसे ही वही नल स्पेस जीरो हो गया, मैं सीधा बोल दूंगा कि वो क्या हमारा कर्नल है, उसको कंपेयर करने के लिए तरीके। रेंज नल स्पेस एंड क्लियर, रेंज और नल स्पेस मतलब कर्नल क्लियर हो गया होगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने पूरी तरीके, अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है डोमेन और रेंज का, तो आप सीधे इसको समझोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, यहां पे यही पे बात करेंगे, ध्यान देना, रैंक और नलिटी क्या होता है, रैंक और नलिटी क्या होता है, ध्यान देना। मैं अगर इसी बात पे बात करूं, अगर रेंज की डायमेंशन की बात करूं, रेंज डायमेंशन ऑफ रेंज आर टी, यही हमारा रैंक होता है। क्यों, क्योंकि जब मैं रेंज रैंक निकाल रहा तो क्या कर रहा था, डायमेंशन को मैं ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं सीधे उसकी रैंक निकालने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो जितने नॉन जीरो कॉलम्स या नॉन जीरो रोज थे इकोलॉन फॉर्म में, वही रैंक होती थी, तो वही रेंज होती। रेंज का जो डायमेंशन होगा वो रैंक कहलाएगा, और नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो नलिटी कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, नलिटी कहलाएगा। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान देना, रैंक नलिटी थ्योरम भी यहीं से क्लियर हो जाएगी। रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि जो आर है, रैंक है, मैंने कहा कोई किसी भी वेक्टर स्पेस की रैंक आर दी हुई है और उसकी नलिटी जो है एल दी हुई है, तो वो उसके जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो उसके इक्वल हो, वो उससे क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब आर प्लस एल इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। ये रैंक नलिटी थ्योरम बोलती है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म, रैंक नलिटी थ्योरम, सब क्लियर हो गए क्या? ये पूरी मैंने कॉन्सेप्ट में बात की, बेसिस भी क्लियर, डायमेंशन भी क्लियर, रेंज भी क्लियर, नल स्पेस भी क्लियर, वही कर्नल क्लियर, और रैंक नलिटी थ्योरम भी, रैंक नलिटी थ्योरम क्लियर, रैंक और नलिटी उस किसके इक्वल होगी, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हो। बात समझे, क्योंकि यही तो रैंक है। रैंक को हमने ले लिया तो रेंज आ गया, और नलिटी को हमने ले लिया तो अगर उसको जीरो कर दिया तो वो हमारा नल स्पेस आ गया। जब उनको दोनों को प्लस कर देंगे तो वही नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मतलब नंबर ऑफ वेक्टर जितने हुए दिए, नंबर ऑफ कॉलम का मतलब वही नंबर ऑफ वेक्टर जितने दिए। क्लियर, बात यही हुई, सीधी बात। अगर वो उसके ऊपर आती है तो वह रैंक नलिटी थ्योरम ये होता है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा मामला पूरा, एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था, जितनी थियरी थी इसमें वेक्टर स्पेस में वो मैंने क्लियर कर दी। अभी चलते हैं एक दो क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हमारा ग्रुप ग्राफ थियरी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन शो दैट द मैपिंग एफ वी आर वेक्टर स्पेस ऑफ आर टू वेक्टर स्पेस ऑफ आर वी थ्री आर टू वी टू आर डिफाइंड एज बेलो, ऐसे दिया है एफ ए बी सी इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी इज लिनियर। यही दिखाना है कि हमें ये लीनियर है कि नहीं है। लीनियर का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म V3R टू V2R है या नहीं, यही हमें दिखाना है। तो देखो, इसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, इसके लिए कंडीशन हमने बताई थी क्या, कि अगर ऐसा कुछ है तो कंडीशन, हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा कुछ है तो कंडीशन क्या था, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू होता था ए एफ अल्फा प्लस बी 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 एफ बीटा। ठीक है, अब ध्यान दें,
इधर देखो, मैंने कहा अल्फा इज इक्वल टू, मैंने ले लिया ए वन बी वन सी वन, और बीटा इज इक्वल टू ले लिया मैंने ए टू बी टू और सी टू, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं एफ ए अल्फा प्लस एफ बीटा को, ये एक एक एलएचएस को लेके चलता हूं कि ये लिनियर है या नहीं है वो मुझे चेक करना है। अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो मैं एक बोल दूंगा कि ये जो हमारा दिया हुआ है वो लिनियर है। तो इसको लेके चलता हूं एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो एफ ए अल्फा, एफ ए अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है ए वन बी वन सी वन, प्लस बीटा, बी के बीटा की वैल्यू क्या है ए टू बी टू सी टू। बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां अगर मैं इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधे क्या हो जाएगा एफ ए ए वन ए वन ए बी वन ए सी वन प्लस बी बी वन ओ सॉरी बी ए टू बी बी टू बी सी टू। यही क्लियर होगा क्या, इतना होगा मामला, यहां तक क्लियर होगा। अब ध्यान दो, अब हमें प्रॉपर्टी लेके चलना है इसको, ये यहां से लेंगे तो क्या उसने कर दिया है, इधर देखो एफ ए ए बी सी की वैल्यू क्या है सी और ए प्लस बी दो चेंज कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू अगर मैं इसमें इसको मैं इसको ओपन कर दूं तो ये सीधे अगर एफ को इधर लाऊं क्या हो जाएगा एफ ए वन ए बी वन और ए सी वन प्लस एफ, ठीक है, एफ बी ए टू बी बी टू बी सी टू। अब इसके कंडीशन को लेके चलते हैं, क्या किया है सी और ए प्लस बी, पहले सी को ला दिया है तो सी क्या है एफ ए सी वन और ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है ये और ये, मतलब ए ए वन प्लस ए बी वन। दूसरा क्या कर दिया एफ बी सी टू और क्या कर दिया है बी ए टू प्लस बी बी टू। फिर मैंने क्या किया इसको कॉमन ले लिया एफ ए सी वन और यहां से ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा ए वन प्लस बी वन प्लस एफ क्या कर दिया बी सी टू मैंने ले लिया बी कॉमन ले लिया ए टू प्लस बी टू। ये इतना हुआ क्या, यहां तक समझ में आई, इतना हुआ। अब हमें लाना क्या है ए एफ अल्फा, अगर मैं ए को बाहर कर लू, ए को क्या कर लू बाहर कर लू, यहां से ए ए ए हमारा कॉमन है तो उसे क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है वो है, तो ये क्या हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूं ए एफ अंदर वाली चीजें क्या है सी वन और ए वन प्लस बी वन प्लस बी एफ सी टू प्लस ए टू प्लस सी टू और ए टू प्लस बी टू। अब इधर देखो ये क्या है अल्फा के एलिमेंट है, ये अल्फा के हैं कि नहीं सी वन ए वन प्लस बी वन, तो ये क्या है अल्फा हो गया और सी टू ए टू बी टू कितने हैं बीटा के हैं, बीटा के हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, मतलब प्रूव हो गया कि नहीं ये यहां पे भी तो ये है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दिखा दिया कि हमने लिनियर है या नहीं। यही सब कॉन्सेप्ट ऐसे सब लगाने हैं जैसे मैंने लगा है, बेसिक डायमेंशन होता है उसमें भी ऐसे जो जितनी भी प्रॉपर्टी बताई हो भाई ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ये वेक्टर स्पेस मान लो पूरा क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं तो नहीं तो फिर वीडियो भी लंबी होगी और आप भी बोर हो गए तो मतलब क्या है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जितनी थियरी बताएंगे बस उस पर ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ज्यादा थियोरिटिकल पार्टी है इसमें तो कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, आगे बात करता हूं मैं बस अभी डाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा मान के चलो शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आपको ग्राफ थियरी का एग्जाम आपका 14 से है, हमारा भी 14 से है, शाम सेम ही है अपना भी, तो पढ़ जाएगा वीडियो, टेंशन मत लो किसी भी चीज की, वीडियो पढ़ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।